स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए स्टिचिंग का जो क्लास लेकर आए हैं उसमें हम आपको सिखाने वाले हैं तुरपाई करना। तुरपाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है, शुरुआत में ही सीख लेना चाहिए आपको। तो तुरपाई करने के लिए देखिए, जब हमने शर्ट होती है हमारी, यानी कि सूट होता है, उस पर एक साइड ऐसे कोना होता है, तो इस पर मैं आपको आज तुरपाई करके बताऊंगी कैसे करनी है आपको। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये धागे लिए हैं, ये मैंने ब्लैक कलर के लिए हैं यहाँ पर, ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे सके। वैसे आपको तुरपाई के समय बिल्कुल मैचिंग के ही धागे लेने होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो नीडल है इसमें धागे को पिरोएंगे। ये हमारा जो तुरपाई होगी वो हमें सिंगल धागे से करनी होती है, तो उसके लिए देखिए हम इसको पिरोएंगे एक साइड से, और इसमें हमें एक साइड को ऐसे ही छोड़ना होता है और दूसरी साइड जो है गांठ लगा लेनी होती है। अब देखिए, इसमें एक साइड इसको यहां से कट कर लेते हैं। यहां एक साइड जो बड़ी वाली साइड रखेंगे, यहां पर हमें गांठ लगा लेनी है अच्छे से। देखिए, एक साइड गांठ है और दूसरे वाला सिरा जो छोटा वाला रखना है आपको, उस साइड आपको गांठ नहीं लगानी है। अब देखिए, यहां से हम शुरू करेंगे तुरपाई करना। तो आप देख सकते हो आपकी राइट साइड जो है, हम राइट हैंड में हमने निडल ली हुई है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर मेरा जो टू फोल्ड करके मैंने यहां सिलाई लगाई हुई है पहले बड़े पैर वाली, इसको बाद में हम निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से यहां निकालेंगे आपको निडल को एक बार, और आप इधर वाली साइड में देखिए, यहां से एक बार देखिए, इस तरह से आपको निकालना है। जो नीचे आपने हमने जो धागा लिया, कपड़ा लिया है, बहुत ही कम लेना है, जितना कम आप ले सकते हो उतना लेना है। ये शुरुआत में हमने एक नोच लगाई है ताकि हमारा बाद में धागा निकले ना। अब हम करेंगे तुरपाई शुरू। देखिए, इस तरह से आपको उठाना है, बिल्कुल एक धागा इस तरह देख सकते हो, और फिर इसमें से आपको पार करना है ऐसे। देखिए, इस तरह से बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना। अब देखिए, इतना लेंगे और उसके बाद आगे ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये देखिए, इस तरह से आपको तुरपाई करनी है। बहुत ज्यादा नीचे जो है निडल में, देखिए यहां ज्यादा नहीं लेना, बहुत थोड़ा लेना, जितना आप थोड़ा ले सकते हो। ये देखिए, इसी तरह से हमें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ध्यान रखिए, जो छोटे वाला धागा था उसको हमेशा देखिए बाहर रखना है। देखिए, ये धागा हमेशा बाहर रहेगा, जितना आगे चलते जाएंगे उतना ही इसको छोटा करते जाएंगे। अब जैसे ही हम कॉर्नर्स पे आएंगे, तो आपको कॉर्नर बता देती हूँ आपको कैसे करना है। देख सकते हो आप, हम यहाँ कॉर्नर पे आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ कॉर्नर पे डबल फोल्डेड कपड़ा होता है हमारा, तो हमें जो ऊपर वाला फोल्ड है उसी में से है निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये फिर बाहर की तरफ ज्यादा शो नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से हम ऊपर वाले में से ही इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए, आप चाहे तो धागे को, जो निडल है उसको चार पांच स्टेप के बाद भी धागे को खींच सकते हो। यहां मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूं किस तरह से एक एक स्टेप। ये देखिए, अब ये बाहर की ओर शो नहीं होगा यहां से। अब यहां से हम ये वाले देखिए, दो तीन लेयर बनी हुई हैं, तो इनमें से हमें निकालना है सभी में से, और इन सबको लॉक करना है। ये देखिए, इस तरह से ये बिल्कुल लॉक हो जानी चाहिए। देखिए, ये हमारा कॉर्नर था, देख सकते हो आप कितना फिनिशिंग के साथ हमने इसको बिल्कुल लॉक कर दिया है। अब यह लास्ट में हमें नोट लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से दो से तीन आपको नोट लगानी है यहां पर। यहां बिल्कुल पास से हमें धागे को कट कर देना है।
जो ये एक्स्ट्रा स्टिचिंग हमने लगाई हुई थी पहले, इसको निकाल लेना है हमें। देखिए जो एक्स्ट्रा सिलाई थी हमने लगाई थी पहले, उसको निकाल दिया है। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। देखिए दूसरे कलर का धागा नहीं होता यहाँ पर, तो ये बिल्कुल भी शो नहीं होता और ना ही कोई बड़ा छोटा धागा नहीं निकला है बाहर की तरफ। तो बिल्कुल इक्वल आपको स्टेप में उठाना है धागे को दोनों ही तरफ से, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो कैसा लगा आपका हमारा आज का क्लास? आगे भी जो क्लासेस हैं वो आती रहेंगी आपके लिए ऐसे ही, बीच बीच में आपके लिए मैं वैसे दूसरी वाली वीडियो भी ला रही हूँ, स्टिचिंग की वीडियो भी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है maitri6033, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।